सो हैलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल वीरेन कैनेडा एंड सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। आई होप तुसीं सारे वधिया होवोगे। ते अज आपां काफ़ी टाइम बाद वीडियो शूट करन जा रहे हैं। जिदां कि तुहानूं पता है, आपां पहलां व्लॉगिंग वगैरह शूट करदे सी, ते जिहड़ी अज दी वीडियो आपां शूट कर रहे हैं इह थोड़ी इनफॉर्मेटिव रहेगी, जिहदे च आपां के बेसिक चार पॉइंट आपां क्लीयर करने हैं, डिस्कस करने हैं। जिहदे च मेरा फस्ट पॉइंट यह रहना है कि जिहड़ी मैं एक वीडियो पाई सी प्रीवियस कॉलेज चेंज दे रिगार्डिंग, उहदे ते मैनूं काफ़ी कमेंट्स ते काफ़ी मैसेजेस भी आए सी परसनल इंस्टाग्राम ते, तो उस बारे मैं कईयों रिप्लाई कर चुके हैं, बाकी जिन्होंने नहीं किया सॉरी फॉर दैट। तो अच्छ आप सारा फिर एक बार डिस्कस करेंगे, तो नाल दी नाल आप तीन होर पॉइंट ने जिहड़े कि IRCC के रिगार्डिंग ने, जिहड़े IRCC के अपडेट्स आए हैं। मोस्टली सारे पता ही होना, पता लग चुके होना, बट स्टिल आप जिन्होंने नहीं पता उन्होंने दस दीए। सो वीडियो स्टार्ट करने तो पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुम इस चैनल में सबसक्राइब कर लो, तो बैल आइकन दबना ना भूलो, ताकि मेरी होर नवी नवी वीडियोज़ जिसे मैं कैनेडा अपडेट्स बारे थोड़े साझा कर सकता। नाल दी नाल इस वीडियो नूं वध तों वध शेयर करो, तो इस वीडियो नूं विदाउट एनी स्किप तुसीं एंड तक जरूर वेखियो। आई होप ये वीडियो तुहाडे लई इनफॉर्मेटिव रहेगी। सो शुरुआत करते हैं आप फस्ट टॉपिक कॉलेज चेंज के रिगार्डिंग। जिदा कि मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया कि आपां एक वीडियो पहलां पाई सी कॉलेज चेंज की, जिहदे च मैं अपनी सारी जर्नी तुहाडे नाल शेयर की कि मैं कॉलेज चेंज क्यों किया, कैसे किया, रीफंड का दस्सिया सी। जे तुसीं अजे तक वो वीडियो नहीं देखी ते तुसी न्यू कमर हो मेरे यूट्यूब चैनल ते, तो तुसी वो वीडियो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन च मैं लिंक शेयर किया, लास्ट में मैं पिन किया, तो तुसी जरूर देखियो। बाकी मैनू उस वीडियो तो रिगार्डिंग काफ़ी सारे वीर भरावों के कमेंट्स ते परसनल मैसेज भी आए थे इंस्टाग्राम से, जिसका मैं रिप्लाई भी किया। तो जो मैं मैसेज आए थे वो सारे के बेसिकली सिमिलर जे सके कि कॉलेज चेंज आप कर सकते हैं उत्थे जाके प्राइवेट टू पब्लिक या नहीं, तो रीफंड हो जाता है, बाकी की करना चाहिए तो की नहीं, यह सारा कुछ मैं थोड़े नाल अज साझा करा। कि तो सारे तो पहले तो आप गल करेंगे तो प्राइवेट या पब्लिक कॉलेज से डिफरेंस की है। प्राइवेट कॉलेज बेसिकली आपको इन फ्यूचर से प्रॉब्लम आती है कि वर्क परमिट इशू नहीं करता, तो पब्लिक कॉलेज से आपको वर्क परमिट मिलता है। हुण कई स्टूडेंट्स नूं ये कन्फ्यूजन होती है, पता नहीं लग पाता नॉलेज ना होने करके कि वर्क परमिट का किदा पता लाना, तो उसके लिए मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन देवगा IRCC का, जिदे तो तुम अपना DLN नंबर पा के चैक कर सकते हो कि कॉलेज जो PGWP प्रोग्राम रन करता है या नहीं। उत्थे तुहानूं यस और नो च शो होएगा, तो तुम खुद चैक कर सकते हो। डिफरेंस तो बाद जो मैं गल करा हूँ अकॉर्डिंग टू माई रिव्यू, मैं तुम्हें यही सुजैसट कराँगा कि तुम पब्लिक कॉलेज ही इंडिया तो चूज करो। जे तुहाडे परसेंटेज एंड बैंड स्कोर वगैरह सारा कुछ ठीक है तो तुम पब्लिक कॉलेज लैके आयो, बट स्टिल कई बैंड स्कोर एंड परसेंटेज लो होने कारण एजेंट सुजैसट कर देंगे कि प्राइवेट कॉलेज से तुहाडा करा दें तो हो जूगा, वो भी ऑप्शन ठीक है। बट जे तुम इतने अपना PR लैनी है, फ्यूचर सिक्योर करना, तो थोड़ा प्राइवेट कॉलेज चो मूव होना पैना, तो पब्लिक कॉलेज ही लेना पैना। तो वो हूँ एक सवाल सीगा कि आप चेंज कर सकते हैं कॉलेज या नहीं। जी हाँ बिल्कुल तुसी चेंज कर सकते हो कॉलेज इतने आके। तो दूजा सवाल यह कि रीफंड आपको मिलेगा प्राइवेट कॉलेज तो या नहीं। हूँ ये कॉलेज टू कॉलेज वैरी करता है, कुछ कॉलेज रीफंड पॉलिसी अपरूव करते हैं, कुछ नहीं करते। ये अपनी कॉलेज की वैबसाइट पर जाके टर्म्स एंड कंडीशन चैक कर सकते हो। हूँ जे तुहाडा कॉलेज रीफंड की पॉलिसी देता है, रीफंड कर देता है, फिर मैं तुम्हें यह कहूँगा कि तुसी कॉलेज की फीस जी अपने अकाउंट चो ट्रांसफर करो, एजेंट के अकाउंट तो ट्रांसफर ना करो, नहीं तो इतने आके तुम्हें प्रॉब्लम होएगी, फिर रीफंड इशू आएगा। अपने अकाउंट च पे करके तुसी बैंक स्टेटमेंट एंड फी रिसिप्ट नाल लैके आयो। तो जिन्हों का रीफंड पॉलिसी नहीं हैगी उन्होंने मैं ये कहूँगा कि तुसी थोड़ा जिहा टाइम एंड मनी वेस्ट होएगा, बट जे तुसी अगे सिक्योर होना तो तुसी एक साल अपने प्राइवेट कॉलेज ही ला लो, उस तो बाद चेंज कर लो कॉलेज। हुण तीजा ये सीगा कि आपां नूं प्राइवेट कॉलेज तो बाद जो आप पब्लिक च जाइए तो वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इहदा भी मैं तुहानूं दस दिंदा कि जे तुसी प्राइवेट कॉलेज तो बाद एक साल का कोर्स पब्लिक च लैंदे हो तो फिर तुहानूं अगे एक साल का ही वर्क परमिट मिलना है। जे तुहानूं 3 साल का वर्क परमिट चाहिए तो तुहानूं प्राइवेट कॉलेज तो बाद 2 साल का कोर्स होर करना पएगा पब्लिक च, तां तुसी एलीजिबल होवोगे वर्क परमिट। चौथा सवाल जो मैंने पूछा गया वो सीगा गैप का कि आपां नूं किन्ने क टाइम तक कॉलेज चेंज कर लेना चाहिए, किन्ना क गैप एक्सैप्टेबल आ। हुण अकॉर्डिंग टू लॉ 150 डेज के अंदर अंदर आपां नूं कॉलेज चेंज करना होंदा है, जिहड़ा 150 डेज मतलब अपने 4 महीने हो गया, 4 महीने के अंदर अंदर कॉलेज चेंज कर लियो। जे तुहाडे 4 मंथ तो उपर जाता टाइम तुसीं कॉलेज चेंज नहीं किया फिर उहदा तुहानूं इन फ्यूचर वर्क परमिट के टाइम च इशू बन सकता है। तो नाल दी नाल एक गल होर जिहड़ी याद आई है वह तुसीं इनफॉर्म भी करना होंदा, जदों तुसीं कॉलेज चेंज करोगे उदों तुहानूं एम्बैसी नूं इनफॉर्म करना है कि तुसीं कॉलेज चेंज किया, वह तुहानूं GCQ पोर्टल के थ्रू करना होंदा है। हुण GCQ पोर्टल तुहाडा एजेंट कोल होगा, तुसीं उहदे अपने एजेंट तो लै सकते हो, उहदे ते अपना
DLI ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਆਈਡੀ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕਸ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ IRCC ਦੇ 3 ਨਿਊ ਅਪਡੇਟਸ ਆਏ ਆ। ਮੇਨਲੀ 3 ਲਾਅ ਕੱਢੇ IRCC ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਸਟ ਲਾਅ ਆ ਉਹ GIC ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 10,000 GIC ਪੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਡਬਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, 20,000 ਸਮਥਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਬਰਡਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਤੋਂ 22 ਲੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 27 ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਬ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਅਬ ਕਿਆ ਹੋਗਾ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ ਡਿਕਲਾਈਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨੈਕਸਟ ਲਾ ਉਹ ਹੋਇਆ PGWP ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ PR ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ 18 ਮਿੰਥ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਭਈਆ ਮੈਟਰ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਟਰ, ਚੈਪਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਲਾਈਕ LMIA ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥਰਡ ਟੌਪਿਕ ਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਵਰਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ 7 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 3 ਲਾਅਜ਼ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ IRCC ਦਾ ਲਿੰਕ ਨੀਚੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੁਦ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।